आजकल के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास भी आ रहे हैं, मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग आर्मी नेवी एयर फोर्स यूपीएससी के लिए या फिर सीएपीएफ के लिए। यहाँ पर एक चीज़ हमें गौर करने की ज़रूरत है कि खुद की ये गलती हो रहा है या फिर पेरेंट्स की गलती हो रहा है, अगर बंदे को सक्सेस नहीं मिल रहा है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, या फिर बिगड़ रहे हैं या फिर लाइन पे नहीं आ रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो रहा है, तो ये इसकी वजह से ना सबसे पहला कारण ये सोशल मीडिया पर। मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादातर जाके जब देखता हूँ, मेरे नॉलेजेबल वीडियोज़ ज़्यादातर देखता हूँ या फिर अपडेट्स वाली वीडियोज़ देखता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया का एक रूल है, अगर आप जिस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड है वो बार 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 आपकी थंबनेल में, बार बार आपकी यूट्यूब में वही चीज़ें भेजेगा और आप क्लिक करके देखते रहोगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये गलती आपकी है, आपके पेरेंट्स की नहीं है। आपके पेरेंट्स ने मेहनत करके आपको मोबाइल दिया है, आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं है, आप जाके इनकी रील्स देख रहे हैं। इन जो रील्स है ना, ये बहुत सारे रील्स है, कल मैं एक रील्स और भी देख रहा था जो आपको दिखाया, वाइफ स्वैपिंग का या वाइफ स्वैपिंग या फिर पार्टनर स्वैपिंग का कुछ ऐसा रील्स था। मतलब स्वैपिंग मतलब समझते हो ना, अल्टरनेटिव करना, ये उसके पास जाएगा, ये उसके पास जाएगा। मतलब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, एज ए इन्फ्लुएंसर जो बंदा इसको देखता है ना, मतलब कहाँ तक वो सोच रहा होगा, वो भी इसी फैंटेसी में जी रहा है कि मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसा चीज़ें है जो कि बहुत गलत चीज़ें। जो यूथ होता है, जो 17-18 साल की लड़का होता है, 15-16 साल की लड़का होता है, जो चीज़ें आप उसको बोलोगे वही चीज़ें वो देखता है, उसी से वो इंस्पायर होता है। जो वर्दी लवर यहाँ पर है, इन्होंने वर्दी को देखा है, देश सेवा के लिए इन्होंने सोचा है, उनकी अंदर एक अलग सा मोटिवेशन आया था, तब जाके ये आर्मी नेवी और एयरफोर्स डिफेंस सेक्टर में आना चाहता है। डिफेंस सेक्टर में आना सबकी बस की बात नहीं है, जिगर चाहिए उसके लिए। 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा, 48 आवर्स, 72 आवर्स विदाउट खाने पीने, कोई नाले में पड़े होंगे, कोई ब्रिज के नीचे पड़े होंगे, ये लाइफ होता है, उसमें सर्व करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन कर लेते इसकी वजह से, क्योंकि वो कुछ चीज़ों को देखें, इन्फ्लुएंस होते हैं सही चीज़ों को, और उसके बाद उस इन्फ्लुएंस के साथ वो खुशी से वो चीज़ें कर लेते हैं। जो ये चीज़ें आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे ना, यहाँ देख लीजिए, दोनों वाइफ के साथ रात में क्या करूं, क्या होता है, मतलब क्या बकचोदी है यहाँ पर, मेरे को ये समझ में नहीं आता। अरमान ने किया दो शादी क्यों, फर्स्ट वाइफ सेकंड वाइफ, और उसके बीच में भी अगर एक थर्ड वाइफ भी कभी आ जाता है, इन दोनों के बीच में ये रात को डिसाइड करते हैं, मेरा इस तरफ वाला गाल मेरा है, उस तरफ वाला चिक्स तेरा है, ये वाला पैर मेरा है, वो वाला पैर मेरा है, मैं पेट के नीचे सोऊंगा तो पेट से ऊपर सोना, मतलब मेरे को यही समझ में नहीं आता, क्या बकचोदी है, फुद्दू बकचोदी यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, वो वहाँ पर वाइफ स्वैपिंग कर रहा है, और स्वैपिंग करते करते पार्टनर स्वैपिंग करते गर्लफ्रेंड स्वैपिंग कर रहा है, कोई उसका एक रात यहाँ लेके जा रहा है, उसका एक रात वहाँ लेके जा रहा है, जो भी हो रहा है रूम पे वो दिखा रहे हैं। मतलब आजकल की जो यूथ है ना, वो ब्लॉग्स इतना देखता है, मिलियंस पे व्यूज़ है इनकी ब्लॉग्स की, मिलियंस पे व्यूज़ हैं, और जो एजुकेशनल वीडियोज़ होते हैं उसमें कितने व्यूज़ होते हैं, 100 के अगर व्यूज़ आ जाए ना, बड़ी मुश्किल से आता है। तो इंडिया का आज में जो यूथ बदनाम हो रहा है, जो डिफेंस एस्पिरेंट वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए मैंने बनाया, आप लोग जो फेल हो रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहे, इसी की वजह से आप सोशल मीडिया में फालतू वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, सोशल मीडिया पे वीडियोस देखना और फालतू वीडियोस और उस पर कमेंट करना आपकी टाइम लॉस है। अगर आप इस चीज़ों में गुजर रहे हो ना, आप कोई भी ऐसे फालतू के ब्लॉग्स देखते हो, उसमें कमेंट्स करते हो, समझ लेना आप 7वां स्टेप से क्रॉस करके 8 में आ चुके हैं, आप महान आदमी बन चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा आपको बैठ के सोचना चाहिए, पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है भाई, मोबाइल हमारे पास भी था, हमारे को भी मोबाइल दिया था पेरेंट्स ने, और हमने कभी इसकी मिसयूज नहीं किया, हमने कभी पॉर्न एडिक्ट ये सारी चीज़ें नहीं होता। देखिए, हर एक बंदे का एक नेचुरलिटी रहता है, सभी चाहते हैं रोमांस अपनी लाइफ में, रोमांस सबको अच्छा लगता है, इंस्टेंट हैप्पीनेस देता है, मैं ये नहीं बोलना चाहता, बट एज ए करियर जब आप इसको चला रहे हो, एज ए अभी आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, आपको करियर सेट करना है, ये सारे जो फर्स्ट वाइफ सेकेंड वाइफ इधर दो वाइफ उधर दो वाइफ, ये सिर्फ सोशल मीडिया में होता है भाई, बाहर जाके देखो इनकी रियल लाइफ, भीख मांग रहे होंगे ये। ठीक है, ये इसी स्ट्रेस में हो गए, कल कैसे उठपटांग वीडियो डालेंगे, उसमें व्यूज आएगा, हमारे पास पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो हम ये चीज़ें करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इन्फ्लुएंसर बेकार है, ये तो बेकार ही है, मेरे हिसाब से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो अच्छा काम करते हैं, लाइक ध्रुव राठी हो गए, वो अच्छा वीडियोज़ डालते हैं, मैं भी वीडियोज़ उनकी देखता हूँ, वो फैक्ट्स पे डालते हैं और अच्छे वीडियोज़ डालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए गलती पेरेंट्स की नहीं है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप पेरेंट्स कोई भी देख रहे हैं, प्लीज़ इंश्योर करिए कि वो किस टाइप की वीडियोस देखता है, क्योंकि आजकल के ज़माना में वही हो गया, एक एप्पल आईफोन को छोड़ के बाकी जितने भी यूज़र्स हैं, जो भी आप वीडियोस देखते हैं, जो आपके दिल में इंटरेस्ट होता है, तो आपका ना उसी वीडियोस को क्लिक मतलब आता ही आता ही। ये जब स्वैपिंग का टॉपिक आया था ना, ये जो वाइफ दो वाइफ यहाँ पर ये दो वाइफ का, मैंने
यहाँ पर ना मैंने सर्च किया था, ठीक है, तो मेरे पास एक बार आया था तो मैंने देख लिया था, ये जो महाशय थे इनकी फर्स्ट वाइफ सेकंड वाइफ, इनकी थोड़ा सा वो लगे, क्यूट लगे, तो मैंने बोला ठीक है देख लेते क्या बकचोदी है। फिर बकचोदी स्टार्ट हो गया उनके बीच में, आप नहीं मानोगे, उसके सुबह जब मैंने उठा ना, मेरा हमेशा न्यूज़ का वीडियो आता था यूट्यूब में, या फिर मेरे चैनल का वीडियोज़ में जो अपडेट्स होते थे आर्मी के बारे में वो आता था, लेकिन उसके बाद ना ये सारे ये महान रथी आ गए जो लेफ्ट में सो रहे हैं ना, ये आ गए। उसके बाद तीसरे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको थंबनेल में, जो स्वैपिंग वाला, गर्लफ्रेंड स्वैपिंग वाला, वो आ गए। चलता ही रहा, मैं एक दो दिन ना मैं देखा ये क्या हो रहा है, फिर मैंने इन जो चैनल्स है ना वहाँ जाके सो ऑल नोटिफिकेशन, हाइड ऑल नोटिफिकेशन, डोंट रेकमेंड चैनल, ये सारे चीज़ें कर दिया। उसके बाद ये आना महान आदमी बंद हो गया, और जैसे मेरे यूट्यूब चलता था पहले जो भी चीज़ आता था वही। देखिए हमारा मन है ना, मन के ऊपर कंट्रोल इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं ये सारे चीज़ें को देखने को एवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये चीज़ें आता है तो हम देखते हैं और उसके बाद टाइम लॉस होता है। हम 5 मिनट के लिए देखने जाते हैं, 10 मिनट देखते हैं, 10 के बाद 1, 2, 3, फिर हम अपनी लाइफ में ये चीज़ें सोचते हैं कि ऐसा होगा मेरे लाइफ है ना, किसी की वाइफ ऐसा सोच रहा है, किसी का हस्बैंड सोच रहा है, किसी की बॉयफ्रेंड, किसी की गर्लफ्रेंड, आप लोग ऐसे सोच रहे हो, इसको इमेजिन कर, भाई ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, इट्स ओनली ए रील्स लाइफ। रील और रियल में बहुत फ़र्क है। जब रियल लाइफ में आओगे ना स्ट्रगल करने के लिए, तुम्हारे पिछवाड़े से कितना हवा निकलेगा पता नहीं चलेगा भाई। एक लाइफ को, करियर को सेट करके फादर मदर को एक अच्छा लाइफ देना, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन और वो इन्फ्लुएंस है लाइफ में, ठीक है। ये सारे चीज़ें हैं ना फालतू का चीज़ें, इस पर मत पड़िए, प्लीज़ इसको एवॉइड करिए। जो चीज़ आपकी ज़रूरत है, आप एक करियर सेट कर रहे हैं, आप एक यहाँ पर करियर सेट करने के लिए आए, एक बार सेट हो जाइए फिर आप थोड़ा सा इस चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन अभी तक आपके करियर सेट नहीं है, फेल हो रहे हो, दूसरी बार फेल हो रहे हो, आप अभी स्ट्रगल लाइफ में हो, तो ये चीज़ों को अवॉइड करिए। आप ओनली जीके का बुक, जनरल साइंस के बुक, इस पर ध्यान दीजिए, उसी टॉपिक पर पढ़िए। नहीं पढ़ना, पढ़ाई ख़त्म हो गया, बंद करिए मोबाइल को, फ्लाइट मोड करिए। मैं हमेशा मेंटरशिप प्रोग्राम में भी यही सिखाता हूँ, और मेरे जितने भी मेंटरशिप के प्रोग्राम है, मैं प्राउड के साथ बोलता हूँ कि मेरे जितने भी मेंटरशिप प्रोग्राम में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये चीज़ उनकी नहीं है, ये सारी चीज़ें उनकी ना आता है ना है। इन्होंने छोड़ चुका है ये चीज़ें, उनको पता चल गया जो मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम आईडी में, जो आर्मी सर ऑफिशियल अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ ज्वाइन करना, उसमें एक आईडी भी है, हमने दिया है पर्सनल आईडी, हमारे एडिटर के पास आपके मैसेज चला जाएगा, वो आपको बता देगा कैसे ज्वाइन करना है। हमारे जितने भी वहाँ पर मेंटरशिप में पढ़ाई करते हैं, ये सब फालतू चीज़ें कहीं नहीं देखते, उनको बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन के साथ मना किया हुआ है, और उनकी टाइमिंग आता है हर शाम को कि इतना घंटा सर हमने यूज़ किया सोशल मीडिया, मतलब पढ़ाई में यूज़ किया, और इतना इतना चीज़ें इतना इतना देखा, बस हमेशा रात को 10 बजे आ जाता है उनका। तो ये चीज़ अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप सीरियस से कुछ करने के लिए लाइफ में, अगर नहीं है तो यहाँ पर आके हमारे टाइम वेस्ट मत करिए, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आपकी आपकी लाइफ मुबारक हो, हमारे लाइफ की मुबारक हो, ठीक है। हम इंटरेस्टेड नहीं है ऐसे कैंडिडेट के ऊपर, मतलब टाइम खर्च करने के लिए, ठीक है। तो बाकी मेरी तरफ से ये जो कंसेप्ट था कि पेरेंट्स की कोई गलती नहीं, आपकी गलती, अगर आप बदनाम हो रहे हो, आज तक फौज में सारे दारू पीते, मैं नहीं पीता, तो उसमें मेरे ऊपर डिपेंड करता कि मैं बिगड़ूँ या ना बिगड़ूँ, ठीक है, मैं करूँ या ना करूँ, तो उसकी जवाबदार मैं ही हूँ, कोई पेरेंट्स नहीं है। इसीलिए इस चीज़ों को अवॉइड करिए, अपनी जो गोल्स है एम पे फोकस करिए, उसके बाद बहुत टाइम मिलेगा ये सब चीज़ें देखने के लिए। लाइफ भर पड़े हैं, 60 साल 70 साल यही देखते रह जाओगे, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।